लोकसभा चुनाव का मैंडेट आ चुका है। बीजेपी की तरफ से 400 पार की बहुत बातें हुई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एनडीए की सुई 300 से नीचे ही अटक गई। बीजेपी पूर्ण बहुमत नहीं हासिल कर पाई और कई राज्यों में बीजेपी को तगड़ा नुकसान हुआ। हालांकि बीजेपी एनडीए के सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाने जा रही है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को इस चुनाव से बूस्टर डोज मिला है। इंडिया के सभी दल मिलकर भी बहुमत के आंकड़े से 38 सीट दूर रह गए और इसके बावजूद इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाने के लिए जबरदस्त जद्दोजहद की। कल का दिन एनडीए और इंडिया के लिए बहुत अहम रहा। अब नई सरकार बनाने की कवायद भी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री आवास पर कल एनडीए की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू समेत सभी सहयोगी दलों के लीडर्स शामिल हुए। मीटिंग में नरेंद्र मोदी को एनडीए का लीडर चुना गया। वहीं इंडिया गठबंधन की भी बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें सरकार गठन पर अहम फैसला हुआ। ये दो तस्वीरें आपको मीटिंग के दौरान की हम दिखा रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली की गद्दी पर एनडीए की सरकार काबिज होगी, लेकिन उससे पहले किंग और किंग मेकर को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। भले ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने बिन किसी शर्त के समर्थन की बात कही है, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती मंत्रिमंडल के गठन की है, क्योंकि एनडीए नेतृत्व वाली सरकार में हर दल को बैलेंस करना एक बड़ा चैलेंज है। तीसरी बार सरकार बननी तय है। देशवासियों ने एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। पीएम आवास पर हुई मीटिंग के बाद ये साफ हो गया, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे। अब तक जो केंद्र में एनडीए की सरकार बनने पर खतरे के बादल दिख रहे थे, इस मंथन के बाद वो कुछ हद तक छंटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी के आवास पर हुई करीब एक घंटे की बैठक में एनडीए के सभी दलों ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मुहर लगा दी है। इसके बाद ये साफ हो गया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भले ही नरेंद्र मोदी ने चुनौती को पार कर लिया है, लेकिन अब उससे बड़ा चैलेंज है कि मोदी 3.0 में कौन से चेहरों को जगह दी जाएगी, किस दल को कितने मंत्री पद दिए जाएंगे और किसे कितना बड़ा ओहदा दिया जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत का जनादेश मिला है। एनडीए को इस बार 293 सीट मिली है, जिसमें बीजेपी के पास 240 सीट है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के पास 16 सीट है। नीतीश कुमार की जेडीयू 12 सीटों पर जीती है। महाराष्ट्र की शिवसेना शिंदे गुट 7 सीट जीती है और चिराग पासवान की पार्टी ने 5 सीट पर जीत हासिल की है। अब एनडीए में दो बड़े चेहरे हो गए हैं। एक है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो दूसरी तरफ तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू। क्योंकि बीजेपी इस बार 272 का जादुई आंकड़ा नहीं छू पाई है, लिहाजा बीजेपी को सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही जरूरी भी हैं और मजबूरी। हालांकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ने नरेंद्र मोदी समर्थन दे दिया है। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अपनी तरफ से कोई भी मांग नहीं रखी। दोनों ने बिना शर्त नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन दिया। दोनों नेताओं ने अब तक मंत्री पद की कोई भी डिमांड नहीं की है। आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंस, आई हैव सीन सो मेनी पॉलिटिकल चेंजेस इन दिस कंट्री। वी आर इन एनडीए, इन कोर्स ऑफ टाइम एनीथिंग विल रिपोर्ट यू। थैंक यू। अब 7 जून को सुबह 11 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक है, उसके बाद दोपहर 2:30 बजे एनडीए संसदीय दल की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और पार्टियों के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले खबर ये भी है कि बीजेपी ने मैन टू मैन मैपिंग का प्लान भी तैयार किया है। सूत्रों का दावा है कि पीयूष गोयल बीजेपी और टीडीपी के बीच पॉइंट पर्सन नियुक्ति किए गए हैं, जबकि जेडीयू के अश्विनी वैष्णव को पॉइंट पर्सन बनाया गया है। तो वहीं राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा को राजनीतिक दलों से बातचीत की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब बीजेपी को सभी दलों का समर्थन मिल गया है, तो मैन टू मैन मैपिंग की वजह क्या है। इसमें सबसे पहली वजह है कल पटना से आई दिल्ली आते वक्त नीतीश और तेजस्वी की ये तस्वीर, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। पटना से नीतीश और तेजस्वी दिल्ली में मीटिंग के लिए आ रहे थे। दोनों एक ही फ्लाइट में थे और पहले दोनों ही आगे पीछे बैठे थे और कुछ ही देर में अगल बगल में। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ खेला तो नहीं कर देंगे, क्योंकि इन कयासों को तेजस्वी का ये बयान और भी बल दे रहा है। हालांकि तेजस्वी का बयान एनडीए की उस मीटिंग से पहले का है, जिसमें नीतीश ने अपना समर्थन सौंप दिया है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और
इस बार देखा गया पहली बार नरेंद्र मोदी जी ख़त्म हो चुके हैं, उनका मैजिक ख़त्म हो चुका है, वो बहुमत से काफ़ी दूर हैं। अब उनको जो है बिना उनके दो बड़े जो सहयोगी हैं, बिना उनके अब सरकार चल नहीं सकती है, तो काफ़ी दबाव जो है हमको लगता है अगर देने पर पावर है, संख्या भारी है, तो बिहार के लिए तो इतना करना ही चाहिए। अब इस बयान के बाद बीजेपी के माथे पर पसीना आना लाजमी है, क्योंकि नीतीश का राजनीतिक इतिहास किसी को भी परेशानी में डाल सकता है। लिहाजा बीजेपी की मैन टू मैन मैपिंग की दूसरी वजह की बात करते हैं, क्योंकि एनडीए में बीजेपी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी है। नीतीश कुमार अगर पलटने के लिए मशहूर हैं, तो चंद्रबाबू नायडू को राजनीतिक इतिहास भी कुछ कम नहीं है। उन पर अपने ससुर के खिलाफ राजनीतिक साजिश करके पार्टी पर कब्जा करने का आरोप है। खैर, बीजेपी के सहयोगी दल सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त हैं और मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं। एनडीए की मीटिंग हो गई अध्यक्ष आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और शिवसेना ने उनको समर्थन दिया है और जल्दी उनका शपथ विधि हो जाएगा। ये हमारे भारत के तीसरी बार आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। भारत का तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और हम लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के लोग हैं, पहले से ही समर्थन दिए हुए हैं, आज भी कहते हैं कि जहां नरेंद्र मोदी जी रहेंगे वहां हम लोग सब रहेंगे। लेकिन एनडीए की इस मजबूती पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। चंद्रा बाबू जी और नीतीश कुमार जी, ये जो दो बांबू है, दो दो लकड़ियां है, उसका ऊपर अब ये सरकार बनेगी, वो कभी भी हिल सकती है, तो मोदी जी की तो नाक कट गई है। तो हमको बिना नाक वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, कैसे घूमेंगे, मोदी ब्रांड इज फिनिश। वही दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू से इंडिया के सहयोगी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद स्टालिन ने सोशल मीडिया पर लिखा, हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे भाईचारे वाले राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सहयोग करेंगे। फिलहाल अभी बीजेपी का फोकस सहयोगी दलों को एकजुट रखने और आपस में कोऑर्डिनेशन मजबूत करने पर है, और संभव है कि 8 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसको ग्रैंड बनाने के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी कर ली है। लेकिन चुनौती कैबिनेट को लेकर बड़ी है। ऐसे में मुमकिन है कि इस बार मोदी की कैबिनेट में कई नई चेहरों को मौका मिल सकता है, तो कई बड़े चेहरों के विभाग बदले जा सकते हैं। तरफ जहां सरकार गठन को लेकर एनडीए की मीटिंग हुई है, तो इंडिया खेमे में भी कल जबरदस्त हलचल रही। इंडिया गठबंधन की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। फिलहाल सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा इंडिया गठबंधन, ये फैसला लिया गया है। सही समय का इंतजार किया जाएगा इंडिया गठबंधन की तरफ से। तो फिलहाल सरकार बनाने की कोई कोशिश नहीं है, सही समय का इंतजार किया जाएगा। कल इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई उसमें ये फैसला लिया गया है। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, सही समय पर सही फैसला लेंगे। खड़गे का ये कहना है, मोदी सरकार के खिलाफ डटकर लड़ेंगे, ये जनादेश मोदी सरकार के खिलाफ है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कहना है, सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा और मोदी सरकार के खिलाफ डटकर लड़ेंगे। The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi and will definitely whatever promises we have given to the people that we will keep it up. तो लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने दो सीटों पर चुनाव लड़ा है, केरल के वायनाड सीट और यूपी की रायबरेली। लेकिन खास बात यह है कि राहुल ने दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि राहुल कहां से सांसद होंगे और कौन सी सीट छोड़ेंगे, क्योंकि एक तरफ राहुल की विरासत का सवाल है तो दूसरी तरफ कर्मभूमि है। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना। राहुल गांधी कहां से सांसद रहेंगे, वायनाड या रायबरेली, किसे चुनेंगे, सियासी गलियारों में ये सवाल कौंध रहा है कि आखिर राहुल गांधी क्या करने वाले हैं।
वैसे तो केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली दोनों ही सीट अहम है, लेकिन रायबरेली से राहुल गांधी की जीत के बाद रायबरेली सीट और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि केंद्र के सिंहासन के लिए उत्तर प्रदेश को सत्ता की कुंजी माना जाता है, जिसकी साफ झलक इस बार के लोकसभा चुनाव में देखने को मिली है। 2024 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। 80 सीटों वाले प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 43 सीटों पर जीत मिली, जबकि एनडीए महज 35 सीट पर ही सिमट गया। यूपी की रायबरेली सीट पर अपनी मां सोनिया गांधी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए राहुल ने बंपर जीत हासिल की है। रायबरेली सीट में राहुल गांधी को 6,87,649 वोट पड़े हैं, जबकि बीजेपी के दिनेश प्रताप को 2,97,619 वोट मिले हैं। राहुल गांधी ने 3,90,000 वोट से जीत हासिल की। ऐसे में राहुल गांधी के पास रायबरेली को ही पहली पसंद बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और सूत्र भी ये दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी रायबरेली से ही सांसद का सफर तय करेंगे। उनका केरल की वायनाड सीट को छोड़ना लगभग तय माना जा रहा है, हालांकि राहुल गांधी ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। दोनों सीटों से जीता हूं और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। वहीं गांधी परिवार के वफादार और अमेठी से स्मृति ईरानी को हराने वाले किशोरी लाल शर्मा ने भी गांधी परिवार से मुलाकात की और राहुल गांधी से रायबरेली सीट को चुनने की अपील की है। गांधी परिवार का पहले तो मैं राहुल जी का सर्टिफिकेट लेके आया था, वो मैंने उनको हैंड ओवर किया। मुलाकात हुई तो आपने उन्हें सर्टिफिकेट दिया रायबरेली का, तो आपने पूछा होगा कि ये आप मैंने कहा कि भैया ये दिया फिर यहीं रहना है। क्या काम उन्होंने हंसने लगे, बस इतना ही था। कुछ उन्होंने संकेत नहीं दिया कि क्या वो रायबरेली नहीं, वो अभी तो डिसाइड करेगा, परिवार के बीच की बात है। रायबरेली सीट गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रही है। 1952 से 1960 तक फिरोज गांधी सांसद रहे, इसके बाद 1967 से 1980 तक इंदिरा गांधी तीन बार यहां से जीती। वही 2004 से 2024 तक सोनिया गांधी सांसद रही और अब 2024 से राहुल गांधी ने जीत हासिल की है। रायबरेली में जीत के बाद ही कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए उत्तर प्रदेश में पांव जमाने का ये बड़ा मौका है, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 6 सीटें अपने दम पर जीती हैं। साथ ही अपनी दूसरी परंपरागत सीट अमेठी भी कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हराकर वापस ली है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जब सोनिया गांधी रायबरेली पहुंची थी तो उन्होंने रायबरेली की जनता को भरोसा दिलाया था कि राहुल गांधी आपको निराश नहीं करेंगे। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना। बेशक अभी रायबरेली और वायनाड को लेकर राहुल का रुख साफ नहीं, लेकिन पार्टी में इसको लेकर सुगबुगाहट तेज है। एक तरफ विरासत है, दूसरी तरफ कर्मभूमि, क्योंकि दक्षिण की सीट कांग्रेस के लिए जीवनदान साबित हुई है। 2014 में जब अमेठी से राहुल हारे थे तो 2019 में राहुल वायनाड सीट से चुनाव लड़े, जीते और लोकसभा पहुंचे। साथ ही वायनाड से राहुल और कांग्रेस को दक्षिणी किले को भी मजबूत करने का मौका मिला। वायनाड से इस बार राहुल गांधी और सीपीआई की एनी राजा के बीच मुकाबला था। राहुल गांधी को 6,47,445 वोट पड़े तो वहीं सीपीआई की एनी राजा को 2,83,023 वोट मिले हैं। राहुल ने 3,64,422 वोटों से जीत हासिल की। लिहाजा अब राहुल के रुख पर सबकी नजरें हैं, लेकिन रायबरेली बात ओडिशा की, जहां ओडिशा विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस बार विधानसभा चुनाव में अगर बात की जाए तो अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन 1997 से ओडिशा पर राज कर रही बीजेडी को करारी हार इस बार मिली। ओडिशा में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ओडिशा में बीजेपी का पहला सीएम फेस कौन होगा। भरोसेमंद चेहरे पर मुहर लगेगी या फिर बीजेपी इस बार कोई सरप्राइज देगी। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की भूमि ओडिशा में 24 साल बाद राजनीतिक बदलाव हुआ। ओडिशा विधानसभा में पहली बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। केंद्र की सत्ता में भले ही बीजेपी जादुई आंकड़ा नहीं छू पाई, लेकिन ओडिशा विधानसभा में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। 24 साल के नवीन पटनायक शासन पर विराम भी लगाया। पहली बार बीजेपी ओडिशा में सत्ता में आई है।
और नवीन पटनायक का मजबूत किला ढह गया है। बुधवार को नवीन पटनायक ने ओडिशा के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। आप तो जानते हैं जब मैं पहले मुख्यमंत्री बना 70% उड़ीसा के लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, अब 10% की नहीं है। ओडिशा में विधानसभा की 147 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी ने 78 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि 51 सीटें बीजेडी ने जीती हैं। ओडिशा में बहुमत का आंकड़ा 74 है। बहुत खुश की बात है कि जनता ने हमको दायित्व दिए है, जनता का आदर करेंगे हम। मोदी जी का विश्वास प्रकट किया, आस्था प्रकट किए और चुनाव लड़े और अच्छा नतीजा मिला। मोदी जी का पॉपुलैरिटी ओडिशा में 91-93-95% था, ये परकुलेट हुआ नीचे तक। आम जनता ने सामने कार्यकर्ता सोच के लग गए चुनाव सरकार परिवर्तन के लिए। लेकिन इसी बीच राज्य में चर्चा का बाजार गर्म है कि बीजेपी ओडिशा में पहला सीएम किसे बनाएगी। अटकलों के बीच बीजेपी में कई नाम रेस में हैं। पहला नाम है गिरीश मुर्मू, जो पूर्व कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है। गिरीश मुर्मू ने गुजरात में नरेंद्र मोदी के साथ उस वक्त काम किया है जब वो मुख्यमंत्री थे। गिरीश मोदी के चहेते हैं और उनकी कोर कमेटी के करीबी माने जाते हैं। जब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिला था तो वो पहले लेफ्टिनेंट जनरल बने। दूसरा नाम है सुरेश पुजारी, जो ब्रजराज नगर से विधायक हैं और संघ के करीबी माने जाते हैं। सुरेश पुजारी बरगढ़ से सांसद भी रह चुके हैं। तीसरा और अहम नाम है धर्मेंद्र प्रधान, जो मोदी सरकार में मंत्री हैं और उड़ीसा के सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में गिने जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने राज्य में बदलाव लाने में बड़ी भूमिका निभाई है, लिहाजा बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान पर भी भरोसा जता सकती है। सीएम की रेस में चौथा नाम है मनमोहन सामल का, जो ओडिशा बीजेपी के अध्यक्ष हैं। वहीं पांचवा नाम लक्ष्मण बाग का, जो कांटाबाजी विधानसभा सीट से विधायक हैं। उन्होंने नवीन पटनायक को करीब 16,000 वोट से हराया और पहली बार विधायक बने हैं। पार्टी को पूरा भरोसा है कि ज्वाइंट किलर के तौर पर नवीन पटनायक को हराना आसान नहीं था, ऐसे में क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि की है, इसलिए टॉप 5 नामों में इनका भी नाम शामिल है। गाजियाबाद से एक बड़ी खबर दे दे, गाजियाबाद में 2 मंजिला इमारत में आग लगने की खबर है। एसी में धमाके के बाद ये आग लगी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, घटना के वक्त परिवार सो रहा था। गाजियाबाद की खबर, जहां पर 2 मंजिला इमारत में आग लगी, तस्वीरें आपके सामने हैं। एसी में धमाके के बाद ये आग की घटना हुई है। एसी में ब्लास्ट हुआ बताया जा रहा है। उस वक्त परिवार सो रहा था और उसी वक्त अचानक एसी में धमाका हुआ, ये आग लगी। आप देख सकते हैं पूरा जो 2 मंजिला है वहां पर सिर्फ आग की लपटें आप देख रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से एसी में लगी आग और नोएडा के सेक्टर 119 की अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सोसाइटी में आग लगी। एलजीको सोसाइटी के 17वें फ्लोर पर आग लगी। देर रात लगी आग पर काबू पाया गया। यहां भी बताया जा रहा है कि एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक आप तस्वीर गाजियाबाद की देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर आप नोएडा 119 की देख रहे हैं, जहां दोनों ही जगहों पर जो आग की वजह है वो एसी में ब्लास्ट बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक जगह पर शॉर्ट सर्किट और दूसरी जगह पर अचानक से एसी में ब्लास्ट होता है और आग की घटना निकलकर सामने आती है। दोनों तस्वीरें आप देख सकते हैं और इसको देखकर आप सजग हो सकते हैं। अगर आप एसी चलाते हैं तो आपको ज्यादा सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में एसी का दिन भर इस्तेमाल कहीं जान के लिए खतरनाक ना साबित हो जाए, इसके लिए आपको अलर्ट रहना होगा। जिसकी 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक गाजियाबाद की तस्वीर, दूसरी नोएडा की तस्वीर आपके सामने है। नोएडा में एक सोसाइटी में आग का तांडव किस तरीके से मचा उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, 17वें मंजिल पर आग की लपटें, और दूसरी तरफ गाजियाबाद में 2 मंजिला इमारत में आग लगी, जहां पर एसी में धमाके के बाद अचानक आग की तस्वीरें सामने।